Assalamualaikum, alaikum, my question is that I want to do DCCS. I am ready to do ready to do all the hard work, but I am afraid of one thing. The edu interview with Sir fassel. At last, my English is not good because I have done all my education from Sarkari School. Can you please guide me? What will I be able? Will I be able to clear interview? At last, keeping in my mind that my English is not good. But English is English. पढ़ पढ़ने में, लिखने में तो बहुत अच्छी लिखी है मैं तुम्हें तो एक लतीफ़ सुना देखो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे मेरे बच्चे कोई घर में मुझसे नहीं डरता ठीक है ना मैं जिस कमरे में बैठा हूँ पाकिस्तान में जब जाता हूँ मेरे बहन भाई मुझसे बहुत डरते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है ना उनको पता है कि ये बहुत सख्त आदमी है मेरे खानदान वाले मुझसे डरते हैं जो हराम खाते हैं उनके घर खाना भी नहीं खाता ठीक है ना उनको पता है कि ये बोल देगा और हमें नहीं छोड़ेगा ठीक है ना तो वो दावत देते हैं दावत ही देना छोड़ दी उन्होंने क्योंकि वो आराम खाते हैं मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊँ मेरी माँ बोलती चले जाओ रिश्तेदारी है वो मैंने कहा अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अल्लाह ताला पूछेगा ठीक है तो तुम तो मुझे वो जवाब दे दो ताकि फिर मैं अगर अच्छा जवाब है मैं अल्लाह का जवाब दे दूँगा खामोश हो जाती है तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है अल्लाह से डरो मैं अपने बच्चे को बोलता बेटा देखो मुझसे डर के मत करो अल्लाह से डरो ठीक है ना डरने वाली चीज़ अल्लाह है अल्लाह से डरना चाहिए किसी से नहीं किसी से ज़िंदगी में डरना डरू एनी और मैं सबसे नरम आदमी हूँ बच्चों के लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे पास होते हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं बोलते हैं पिज्जा खाना है मैं कहता हूँ पिज्जा मंगाऊँ वो कहते हैं के खाना है मैं कहता चलो ठीक है केफ सी ठीक है ना तो वो सब बहुत खुश होते हैं। कहते हैं मामू आ गए चाचू आ गए जो भी बस मांगो मिल जाता है ये वो ठीक है ना तो वो बस अलहमदिल्ला तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है जाओ उनको खिलाओ कोई मसला नहीं तो सब घर वाले बोलते हैं कि तुम बच्चों को ख़राब करो है क्या नहीं फिर मैं उनको पढ़ाने भी बैठ बैठाता हूँ एनी तो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं इंग्लिश तुम्हारी जो तुमने सवाल लिखा है अच्छी है मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम जो है ना बोरिस जॉनसन की तरह इंग्लिश में बात करो या रशी सोना की तरह इंग्लिश में बात करो ठीक है ना सही है मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम ना जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरह या उसकी तरह बात करो हाँ मैं तुमसे ये कहूँगा ट्रंप की तरह बात नहीं करना ठीक है और मैं तुमसे ये कहूँगा कि इंटरव्यू में तुम्हारे पास जो भी तुम्हें टॉपिक दिया जाएगा तुम ए को यूज़ करते हुए तमाम सवाल अपने लिए निकाल सकते हो और उनकी तैयारी करके आ सकते हो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये नहीं है कि कि तुम बिल्कुल परफेक्शन के साथ इंग्लिश में बात करो तुम अपना पॉइंट को कन्वे करके समझा सको सिखा सको बता सको ठीक है ना सो so, उस तरह उसकी तरह मत बोलना कि वो हमारे एक लड़का था लंदन में वो आ, तो वो क्या जब एक दफ़ा विशान उसका नाम है ठीक है ना एक दिन वो फोन पे बात करता तो घर में बहुत ना अकड़ के चलता था ये वो सब कुछ ना सही है तो बहुत बदमाश था वो तो एक दिन उसने खाना वो जाना एक दिन उसने वो किया फोन पे बात कर रहा था तो वो दीनदार लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था अच्छा मेरा मजाक उड़ाता था, था मेरे पीछे मेरे सामने नहीं डरता था उससे ना ठीक है ना उसने कहा ये जो पठान है ना मारेगा बहुत मारेगा ये बहुत जानदार आदमी है इसको देखो ये तो छोड़ेगा नहीं ठीक है ना क्योंकि फ्राइंग पान हम टेढ़ा कर सकते थे ठीक है ना तो एनी anyway, वे तो क्या हुआ कि जना उसने फोन पे बात की एक दिन फोन फोन पे बात कर रहा है उसने बोला यू कम आई गो बाय बाय जब मैंने ये सुना तो मैंने उसको बोला यार तुम बात सुनो तुम इतना मजाक उड़ाते हो दीदार लोगा तुम्हारी इंग्लिश कैसी है तुम तुम्हें वीजा कैसे मिला ठीक है ना तुम मुझे ये बताओ उस जमाने में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए वो वीज़ा लेके निकल गया आज उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई होगी कि इतना अर्से से काम कर रहा है अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे बाद में हमारी दोस्ती आ रही है सब हो गई सलाम दुआ हो गई बस ठीक है ठीक है ना वो फिर भी पसंद नहीं करता सलाम दुआ हो गई कुछ लोगों को एलर्जी होती है दीनदार लोगों से अब पता नहीं कहाँ है किधर है मुझे नहीं मालूम बट द पॉइंट इसके उसकी तरह इंग्लिश में बात नहीं करना बेहतर मुनासिब तरीके से मुझसे कन्वर्सेशन करो मैं तुमसे वैसे ही कन्वर्सेशन करूँगा और मैं वहाँ पर कलम लेके बैठा हुआ मगर ये नहीं कह रहा कि सबको फेल कर दूं मैं वहाँ पर बैठा हुआ कि तुम्हें चीज़ें सारी समझ आई कि नहीं आई तुम एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो क्या कर रहे हो प्रैक्टिस करो उसको ठीक है ना और हम तीन चार इंटरव्यूज़ रिलीज़ भी कर देते हैं तुम्हारे लिए ताकि तुम लोग देख लो कि इंटरव्यू कैसे होता है ताकि तुम लोग को थोड़ी सी रिलैक्स रिलैक्सेशन हो जाए कि हाँ ठीक है सही है हमें फ़ायदा है और तो हम समझ आगे ये कर हम कर लेंगे